जिम्मेवारी नहीं मिली है, बिल्कुल गलत समझ है। ऐसी कोई जिम्मेवारी अलग मिलती नहीं है, ना मिली है, जानबूझ करके किसी ने मीडियम दे दिया। जिम्मेवारी सबकी होती है, जो नेता कांग्रेस में काम करते हैं, जिनके जिनका संपर्क है वो सब काम करते हैं। ऑलरेडी जब मैं हेडक्वार्टर का जनरल सेक्रेटरी था तब हमने कमेटी बना रखी है, वो कमेटी काम कर रही है। अब मैं आ गया हूँ जयपुर के अंदर आ गया हूँ, तो जो कमेटी है वो काम कर रही है। और ये काम अपना भी हर बड़ी पार्टी में चलता रहता है, क्योंकि प्री पोल या पोस्ट पर अलायंस कैसे हो, क्या स्थिति बनेगी, क्या संभावना है, वो आप देख ही रहे हो। कल जैसे ही कैंपेन ख़त्म हुआ और एक तरफ अमित शाह जी और मोदी जी बैठ गए, जिनके चेहरे क्या दिखा रहे थे देश को, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी आप देख रहे हैं, और एक तरफ राहुल गांधी थे जिन्होंने पूरे देश को मैसेज दे दिया वो चाहते क्या हैं, किस रूप में प्रधानमंत्री जी ने मांग करी डिबेट करने की, वो बैकआउट हो गए। तो आपने देखा कल पूरा मुल्क देख रहा था किस प्रकार से एक तरफ राहुल गांधी जी चैलेंज दे रहे हैं मोदी जी को, आप क्यों नहीं डिबेट में आए हमारे साथ में, क्यों नहीं आप राफेल के मुद्दे को लेके आप जवाब दिया। और मोदी जी ने क्या देश को कहा कल, क्या अमित शाह जी ने कहा, हमारे वर्कर की संख्या बढ़ गई है, बूथों की संख्या बढ़ गई है, 2 करोड़ थे पहले हमारे वर्कर्स कैंपेन में 2014 में, 11 करोड़ हो गए हैं। वो अपना खाली जो व्यवस्था की कैंपेन की उसके बारे में वो अपनी बात कहते गए, क्या उसके लिए देश बैठा हुआ आगे सुनने के लिए उनको। कल कैंपेन के बाद कहना चाहिए कि हमारे इशू थे, हम इन इशू के आधार पर इलेक्शन लड़े हैं और हमें उम्मीद है कि हम जीतेंगे हारेंगे जो भी था, उसकी बजाय आपने इशू पर राजनीति करी नहीं। डेमोक्रेसी में आप क्या जनता के लिए आपकी उपलब्धि क्या रही है 5 साल की, आगे आपकी सोच क्या है करने की, क्या वादे कर रहे हो, इस पे इलेक्शन लड़े जाते हैं। उसकी बजाय उन्होंने इलेक्शन लड़ा, वो आप सबको मालूम है, कभी राम मंदिर के नाम ले आते, कभी धर्म के नाम पर, कभी वो पाकिस्तान के नाम पर। बालाकोट में हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, तो सर्जिकल स्ट्राइक सेनाओं ने करी, सेनाओं पे पूरे देश को गर्व है, और अभी नहीं है, चाहे 65 का वार हो, चाहे 71 का वार हो, चाहे कारगिल हो, तब भी सेनाओं ने शौर्य पराक्रम में कमी नहीं रखी। तो इसलिए देश इतिहास गवाह है कि हमारे देश की सेनाओं ने देश का मान सम्मान और सिर हमेशा ऊंचा रखा है। आप उसके राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हो चुनाव जीतने के लिए, ये कहाँ की समझदारी है। आग बार कहने को 2 शब्द नहीं है कि आप क्या युवाओं के लिए करोगे, एम्प्लॉयमेंट के लिए करोगे, उनके लिए किसान के लिए क्या योजना है, अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है, किस दिशा में जा रही है, आप क्या उसके लिए स्टेप उठाओगे, आपकी नीति क्या है, आप विदेश नीति क्या रहेगी, कुछ नहीं बोले वो। और खाली उन्होंने कल आकर के पूरे मीडिया के सामने हंसी के पात्र बने, मोदी जी प्रधानमंत्री देश के, अमित शाह जी कल मीडिया के सामने हंसी के पात्र बने, क्योंकि 5 साल तक कभी भी वो एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी उन्होंने 5 साल में, प्रधानमंत्री जी ने एक भी नहीं करी। और कल क्या मुंह लेके वो आगे बैठे थे मेरी समझ के परे हैं, और इसलिए कल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था मैं समझता हूँ पूरे मुल्क में जनता ने देखा है। और कल वोटिंग है सुबह, कल वोटिंग है सुबह, तो लोग समझ गए कि इनकी अस्तित्व क्या है और अगली सरकार मोदी जी की नहीं बनने वाली। कल तो जो एक जो सेना का जो होता कमांडर, वो जब पूरी तरह हार चुका होता है, थका मांदा, आगे जब अपनी जो पराजय को स्वीकार करता है, उस रूप में कल उनका चेहरा देखने का लायक था, ये मैंने देखा। सर, आज मोदी जी केदारनाथ में रात में गुफा में साधना करेंगे, मोदी जी पिछले चुनाव जो गुजरात में मैं गया था, प्रभारी था, तब वो काठमांडू नेपाल गए थे, पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर बैठे थे, दिन भर पूजा अर्चना करी, पूरे मीडिया ने उनको दिखाया, आपके मीडिया ने दिखाया, आपका मीडिया ना यही काम करता है, वो दिखाया मीडिया को ध्रुवीकरण करने के लिए। तो मोदी जी के ध्रुवीकरण के अंदर
आपकी भी भागीदारी रहती है, ये मत बोलो मीडिया वालों, समझ गया आप? आपके मालिक, आपके एंकर, आपके संपादक दबाव में हैं, घबराए हुए हैं सीबीआई से, इनकम टैक्स से, ईडी से, चाहते हुए सच नहीं बता पा रहे हैं। आप कितनी बार मेरे मुंह से सुनना चाहते हो पता नहीं। आज वो गुफा में बैठे हैं, भगवा पहन के बैठे हैं, भगवा पहन के बैठे हुए हैं, और पता नहीं वो क्या मैसेज देना चाहते देश को और दुनिया को। दुनिया भर देख रही है कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कभी पशुपति मंदिर जाते हैं और कभी गुफाओं में जाके बैठते हैं, तो पूरा देश और दुनिया देख रही है उनको। अब देश की जनता क्या फैसला करती है अब उसका इंतजार है। देखिए, जौहर अलग होता है, सती प्रथा अलग होती है। सती प्रथा का जब एक केस हुआ था, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तब मैं प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष था, तब हुआ। उसके बाद कानून बना पार्लियामेंट का, सती प्रथा पर रोक लगी हुई है पूरे देश के अंदर, ठीक है। और जौहर की जो इतिहास में जो 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 भावना इतिहास की, वो देश दुनिया जानती है उसको। उस जमाने में जो आक्रमक होते थे, आक्रमण हुए थे, उस वक्त की स्थितियाँ वो बखान करते हैं, इसलिए उसको सती प्रथा से अलग मानना चाहिए। वो त्याग, वो उनकी तपस्या, वो उनकी जो हमारी संस्कार संस्कृति देश की है, महिलाओं ने जिस रूप में उस जमाने में हम तो थे नहीं, पर क्या हुआ होगा, जिस प्रकार जौहर की कथा आ रही है, जिस प्रकार जौहर की जो हकीकत आ रही है, जिस प्रकार जौहर के बारे में जो महाराणा प्रताप का शौर्य पराक्रम का जो मैसेज है, वो देश में नहीं पूरी दुनिया के अंदर है कि देश के इतिहास के अंदर महाराणा प्रताप का पराक्रम, उनका शौर्य, उनका बलिदान, उनका त्याग, उनकी तपस्या, वो सब उनको नमन करते हैं। और इसीलिए अगर जौहर उस वक्त में हुआ है तो उसको कौन स्वीकार नहीं करेगा, अनावश्यक उसको लेकर के कोई डिबेट नहीं होनी चाहिए। और मैंने ये कहा है राजनीति के अंदर भी, जो इतिहास से छेड़छाड़ करेगा, जैसे मोदी जी और उनकी सरकार ने किया है, वसुंधरा जी उनकी सरकार ने किया है, जहाँ जहाँ बीजेपी गवर्नमेंट बनती है पूरे देश के अंदर, वहाँ वहाँ वो इतिहास खुद ने तो बनाया नहीं है ना, तो इन्होंने भाग लिया कोई आज़ादी की जंग के अंदर, उंगली नहीं कटाई इन लोगों ने आज़ादी की जंग में, अपनी उंगली नहीं कटाई, वो ये लोग हैं सत्ता में जरूर आ गए हैं। जब खुद ने इतिहास नहीं बनाया तो दूसरों के इतिहास को तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं। तो मैंने कहा, आज आप सरकार चलाते हो राज्यों में या केंद्र में, अगर आप पुराने इतिहास की सच्चाइयों को आप समाप्त करोगे और गलत व्याख्या करोगे इतिहास की, तो जो लोग इतिहास को डैमेज करेंगे वो खुद कभी इतिहास नहीं बना पाएंगे, ना उनको आने वाला भविष्य है इतिहास के रूप में याद कर सकेगा, ये मेरा मानना है। सबसे पहले जुगल का अपराध चले गए, फिर जवाहर सुराना, अब और भलाई, आपको लगता है? नमस्कार, जिसके लिए मैं आया हूँ यहाँ पर, भवन बलाई जी हमारे पुराने मित्र थे। भवन बलाई जी एक काबिल, कर्मठ, निष्ठावान, समर्पित और प्रतिबद्ध कांग्रेस कार्यकर्ता थे। वो विधायक भी रहे, जिला कांग्रेस कमेटी के देहात के अध्यक्ष भी रहे, ताजीवन उन्होंने कांग्रेस की सेवा करी, विभिन्न पदों पर रह करके उनका जो योगदान है उनको हम कभी भूल नहीं सकते। इसीलिए आज जब मैंने रात को सुना उनका देहांत हो गया, तो मैं आज यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके पूरे परिवारजनों को इस दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति दे।